वहीं होली के दूसरे दिन बागेश्वर धाम में होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु ने यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ होली मनाई। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गाना भी गाया। खास बात यह रही कि यहाँ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी गई। बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर दो दिन तक होली महामहोत्सव मनाया गया, जो निश्चित रूप से बड़ा अद्भुत रहा और अनूठा। बुंदेलखंड का यह एक अनूठा आयोजन था, इसमें समूचे भारतवर्ष के लोगों आए और होली महोत्सव के रंग में रंगकर बागेश्वर बालाजी के रंग में रंगे। अगले साल इससे भव्य और दिव्य मनाया जाए। ब्रज के गीत, अयोध्या के गीत, बागेश्वर धाम की होली के गीत गाए गए और होली के रंग में श्री हनुमान जी महाराज के गीत भी गाए गए कि हनुमान जी ने भी होली खेली।